नमस्कार मित्रों, जैसा कि हमने इतिहास का लेक्चर शुरू किया है उसी क्रम में हम अगली वीडियो लेके आए हैं, देखेंगे। और पहली वीडियो में हमने देखा था, ये इतिहास का इंट्रो वीडियो था जिसमें हमने देखा था कि कई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखे थे भारत के बारे में, भारत के नामकरण के बारे में, और देखे थे उस समय की शुरुआत इंट्रो वीडियो थी। और उसी क्रम में आगे हम देख रहे हैं, अगला क्रम में आगे वीडियो है, हम देखेंगे कि इतिहास के किसी कालखंड में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ कैसा समाज था, संस्कृति कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, राजनीति कैसी थी, ये इसके बारे में हम देखेंगे। टाइम पीरियड जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्रपाल सारकालीन सभ्यता में और मौर्यन सभ्यता में, गुप्ता पीरियड में, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि समाज उस वक्त का कैसा था, संस्कृति कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, राजनीति, यही हमको हिस्ट्री में पढ़ना होता है किसी विशेष कालखंड में। अब हम देखते हैं दोस्तों कि समाज में हम क्या क्या देखेंगे। समाज में देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था थी या नहीं, उसमें वर्ण की व्यवस्था क्या थी, कैसी थी, जाति व्यवस्था क्या थी, महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित थे कि नहीं थे, पितृसत्तात्मक समाज था कि मातृसत्तात्मक समाज था, शिक्षा के क्या क्या साधन थे, शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, शिक्षा गुरुकुल में हो रही थी या विद्यालय, ये सब देखेंगे। मनोरंजन के साधन देखेंगे कि उस समय से 4,000-5,000 वर्ष पहले लोग मनोरंजन के साधन किस तरह से मनोरंजित थे और अपने हंसने खेलने कूदने का क्या दौड़े थे, क्या साधन था। संस्कृति में देखेंगे कि कला में विशेष रूप से उस समय की चित्रकला देखेंगे, भवन निर्माण देखेंगे किस प्रकार से भवन निर्माण था, धर्म देखेंगे, दर्शन देखेंगे, विज्ञान देखेंगे, त्यौहार और रीति रिवाज में मुख्यतः देखेंगे कि दफनाने जैसे मृत शरीर को किस प्रकार से दफनाया जाता था वो सब देखेंगे। अर्थव्यवस्था में देखेंगे कृषि किस प्रकार की थी, कृषि कहाँ से शुरुआत हुई, कौन सी फसल शुरुआत पहले बोई गई, कौन सी बाद में, किस प्रकार से, पशुपालन में कौन से पशु मुख्यता थे, व्यापार वाणिज्य विदेशों में कैसे होता था, आपस में यहाँ की सभ्यताओं में कैसे होता था एक जगह से दूसरे जगह, उद्योग धंधे कैसे चल रहे थे, नगरीकरण सभ्यता थी कि ग्रामीण सभ्यता थी, ये देखेंगे। राजनीति में देखेंगे मुख्यतः कि राजनीति की जो सत्ता है तो सत्ता किसके हाथ में थी, कौन सा वर्ग था, पुरोहित वर्ग था, व्यापारी वर्ग था, ये देखेंगे। राजनीति का स्वरूप देखेंगे कि किस प्रकार से क्रमिक के रूप से थे, कि जैसे आज है कि प्रधानमंत्री राज्य में मुख्यमंत्री, इस प्रकार से देखेंगे। प्रशासन की विशेषता क्या थी, न्याय उचित मिलता था, महिलाओं को न्याय मिलता था या नहीं मिलता था, ये देखेंगे। तो ये है कि हम इतिहास के किसी कालखंड में क्या पढ़ते हैं मुख्यतः। तो मुख्यतः हम चार बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अब मित्रों हम देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में तीन भाग है, एक प्राचीन भारत देखेंगे, मध्यकालीन भारत देखेंगे, आधुनिक भारत देखेंगे। प्राचीन भारत का टाइम पीरियड प्रारंभ 750 ईसा मानते हैं, मध्यकालीन 750 से 1757 ईस्वी और आधुनिक का 1757 से 1947। आधुनिक भारत को दो भागों में बांट के, स्वतंत्रता प्राप्ति और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। मित्रों डेट में कुछ कन्फ्यूजन होगा, कई इतिहासकारों का मानना अलग है, कई किताबों में डेट को लेके विषमता हो सकती है, किसी बुक में दूसरा, किसी लेखक ने दूसरा लिखा, लेकिन डेट कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। UPSC में डेट से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछता, डेट उतना मान्य नहीं रखता है। और जो हमने यहाँ डेट लिखा ये सर्वमान्य है, मतलब ज़्यादा लोगों द्वारा ये मान्यता है, इसलिए ये डेट फिक्स है इसमें। अब प्राचीन भारत भी तीन भागों में बटा है, प्राचीन भारत प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। प्राक इतिहास में हम देखेंगे पाषाण काल विश्व संदर्भ में पाषाण काल 20,000 BC से 3,000 BC दुनिया में, मतलब कि हमारे यहाँ पाषाण काल देरी से आया, दुनिया में बहुत पहले पाषाण काल 20,000 BC पे आ चुका था, हमारे यहाँ 5,000 से देखते हैं 5,000 BC से 3,000 BC। मित्रों BC और AD में एक कंफ्यूजन है कि BC क्या है, AD क्या है। BC और AD में हम देख ले रहे हैं, आज कल जो कैलेंडर है प्रचलित में है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये क्रिश्चियन पोप ग्रेगरी द्वारा बनाया गया था, तो उन्होंने अपने धर्म के अनुसार बनाया। उनके जो भगवान है ईसा मसीह, तो ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है ईस्वी AD जिसको, और उनके जन्म के पहले का टाइम पीरियड है BC। तो जैसे कि लिखते हैं कि 200 BC 300 BC, तो 300 BC ज़्यादा पुराना हो जाता है, 300 से 200 में हम आते आगे बढ़ने में तो वहाँ संख्या घटती है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत रहिएगा कि 300 BC से 200 BC आ गए, तो ये कन्फ्यूजन मत रहिएगा, ये पीछे चलता है,
यहां से हम देखेंगे कि यहां से इस प्रारंभ इस बिंदु से 200 बीसी पहले और 300 बीसी पहले, ये बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, एडी का फुल फॉर्म होता है एन्नो डोमिनी। आगे अब हम लोग देखेंगे कि प्राक इतिहास हो गया, इसका लिखित साक्ष्य नहीं है, पाषाण काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। पाषाण काल हम लोग समझते हैं उस समय के जीवाश्म से, जो क्या कहते हैं जानवरों में जैसे मर गए पत्थर में दब गए तो उनके जो जीवाश्म है जीवाश्म को पढ़ के कार्बन 14 नव वैज्ञानिक यंत्र है उससे हम डेट पता करके जानते हैं। मृदभवन उस समय के मिट्टी के बर्तनों से जानते हैं, पत्थर के औजार किस तरह के थे, पत्थर के औजार से पढ़ते हैं, हड्डियों से पढ़ते हैं, उस समय की हड्डियाँ के जो साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता ये आदि इतिहास कहलाता है। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता 2600 बीसी से 1900 बीसी तक, वैदिक सभ्यता 1500 से 600 बीसी तक। दोस्तों इसका तो हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य लिखित मिला है लेकिन आज तक इसकी लिपि पढ़ी नहीं गई है, लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। पाषाण काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, हड़प्पा सभ्यता का लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, और वैदिक सभ्यता का लिखित साक्ष्य भी है पढ़ा जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फेमस ग्रंथ है महत्वपूर्ण ऋग्वेद, ये आ जाता है वैदिक काल में देखेंगे। और इतिहास में हम देखेंगे पूर्व मौर्य काल जिसको बुद्ध काल भी जानते हैं, इसका टाइम पीरियड है 600 बीसी से 321 बीसी। मौर्य काल का टाइम पीरियड है 321 बीसी से 285 बीसी। मौर्योत्तर काल का टाइम पीरियड है 200 बीसी से 300 एडी। देखिए यहाँ 200 या 300 एडी, इसका मतलब कि ये अगर डंबा लाइन में देखें तो 200 बीसी कहीं यहाँ होगा और 300 एडी यहाँ होगा, तो इसके बीच में 500 साल का है। आप लोग ये ना समझिएगा कि 100 साल का अंतर है, यहाँ पे 500 साल है, 500 साल। गुप्त काल देखेंगे 319 से है 550 एडी तक, और गुडी से 550 एडी तक, और गुप्तोत्तर काल गुप्त काल के बाद का काल देखेंगे 550 एडी, 550 एडी से 750 एडी, यहाँ से मध्य काल शुरू हो जाता है, तो देखेंगे आगे मध्य काल। अब मित्रों हम देखेंगे पाषाण काल, पाषाण काल अब पढ़ते हैं। चलिए पाषाण काल को मित्र तीन भागों में विभाजित किया गया है इसके कालखंड के अनुसार, कि इसमें ज़्यादा टाइम पीरियड है इस वजह से तीन भागों में हम बांट के पढ़ते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पाषाण यानी पत्थर, पत्थर पाषाण यानी पत्थर, उस समय सिर्फ और सिर्फ पत्थर के औजार पत्थर के बर्तन का उपयोग होता था, इस वजह से इसे पाषाण काल कहा गया। पाषाण काल में तीन भाग जैसे कि बताया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का वैज्ञानिकों ने इसका टाइम पीरियड जो कालखंड दे रखा है बहुत ज़्यादा दे रखा है, इस वजह से हम पूरा पाषाण काल को भी तीन खंडों में बांट के पढ़ते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। मित्रों यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात है कि जैसे कि एक रात में कोई चीज़ नहीं परिवर्तन होता, कि आज पूरा पाषाण काल खत्म, आज रात में कल नव पाषाण काल शुरू, बीच में विकास का समय लगता है, विकास काल, संक्रमण काल होता है, ये सब मध्य पाषाण काल नव पाषाण काल के बीच संक्रमण काल जैसे मानते हैं कि लगभग विकास होने में 100 से 50 साल लगे होंगे, कि इस वक्त जो औजार औजार रहे होंगे तो उसका औजार का जैसे बड़े औजार थे छोटे औजार में विकास करने में समय लगता होगा, सिर्फ ये एक रात की घटना नहीं है, धीरे 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 विकास करते करते तब आता है नया काल, एक रात में कुछ भी इतना जल्दी परिवर्तन नहीं होता है। पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड हम लोग देखते हैं 500,000 बीसी से 10,000 बीसी। मध्य पाषाण काल का टाइम देखते हैं 10,000 बीसी से 6,000 बीसी। नव पाषाण काल का टाइम पीरियड देखते हैं 6,000 बीसी से 3,000 बीसी। ये जो डेट है इसमें भी मित्रों किताबों में जितनी प्रकार की किताब पढ़ेंगे उतना अलग अलग मत दिया है, अगर कि लेखक एक ही डेट लिख देगा तो किताबें नहीं बिकेंगी, इसलिए वो अलग अलग परिवर्तन करते रहते हैं जिससे कि नई चीज़ आपको देखने को मिले। बाकी ये टाइम पीरियड कोई लेना देना नहीं, इससे एग्जाम में प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछता है टाइम से। अब हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि उस वक्त के हम किसी कालखंड के समाज संस्कृति राजनीति अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। अब हम आते हैं पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में हम जीवन देखते हैं कि उस वक्त लोगों का जीवन कैसा था। उस वक्त लोगों का जीवन था खाना बदोश,
खाना बदोश मतलब जो मिला खाए, कुछ बचा तो उसको रख दिए, बाकी फिर घूमने चल दिए। इस समय के लोग घुमक्कड़ थे, खूब घूमते थे। कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं था, कपड़ा लेस थे, नंगे पुंगे घूमते रहते थे। इनका मुख्य काम घूमना। भोजन में ये बड़े बड़े पशुओं को मार के खा जाते थे, बारह सिंगा, जंगली सुअर, इस तरह हाथी बैल उनको सबको मार के खा जाते थे। पूरा पाषाण काल में इतने मजबूत उस समय के लोग थे कि बड़े बड़े पशुओं को खाते थे, वो भी बिना भूंजे बिना पकाए कच्चा ही। कहीं दिखा अगर जंगली जंगली सियर दिखा, 10-15 लोग इकट्ठे हुए पार्टी मना लेते थे। और उस समय औजार था हस्त कुठार, हाथ से बनी हुई हथौड़ी जो पत्थर की बनी हुई होती थी। आग उस समय अस्तित्व तो था, जैसे आग जंगलों में लग जाती है, बांस के उसके पेड़ है तो घर सर से आग लग गई। लेकिन उस समय के पूरा पसार लोगों को आग का ज्ञान नहीं था। आग का अस्तित्व था, जंगल में आग जलती थी, देखते थे, लेकिन आग का ज्ञान नहीं था कि आग हम कैसे जलाएं। कला उस समय पेंटिंग था, चित्रकला था, जिसका उदाहरण हमको मिलता है मध्य प्रदेश के भीमबेटका में, रायसेन जिला के पास है चित्रकला। चित्रकला उस समय उत्कृष्ट थी। एक चीज मित्रों यहाँ ये है सोचने वाली बात कि उस समय जब चित्रकला होती थी, जो पेंटिंग होती थी, उसमें जो तैलीय अवस्था थी किस प्रकार देते थे। कलर तो कर दिए, मान लीजिए जैसे पानी पड़ा तो छूट जाएगा, लेकिन उस समय ऑयली चीज कहाँ से करते थे, ये सोचने वाला विषय है। तो उस वक्त के लोगों के पास ये ज्ञान था कि जो कलर होते थे, रंग होते थे, उसमें पशुओं के चर्बी मिलाते थे, या उस समय के जो पक्षियों उच्छी होते थे उसका अंडा का जो पार्ट होता था उसको मिला के कलर को ऑयली किया जाता था। आज भी सोचिए, आज भी ये पूरा पाषाण काल 10,000 साल पुराना है, आज भी इसकी पेंटिंग्स भीमबेटका की गुफाओं में हैं और कलर अभी भी नहीं मिटा है। सोचिए इतना उत्कृष्ट उस समय कला था। अर्थव्यवस्था में पशुपालन कुछ करते थे लोग, लेकिन पूरा पाषाण काल में पशुपालन इतना नहीं था। पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल से हुई है, इसे पशुपालन हम नहीं लिखेंगे। सिर्फ ये खाते थे और खाद्य संग्रहण करते थे, जो मांस वांस खाए और जो बचा उसका संग्रहण कर लेते थे। धर्म इस समय धर्म है, उस समय के लोग धर्म धार्मिक आस्था थी सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक। अगर जो बारिश वरिश हुई, गरजा, तो बादल को पूजते थे। ये नहीं था कि इंद्र ही देव है, सिर्फ उनका बादल इंद्रदेव के नाम से उस समय था कि प्रचलित थे। और सिर्फ पर्यावरण के आस्था पर ही वृक्षों की पूजा करते थे और नदियों की पूजा करते थे, पानी पीते थे, इसीलिए उनको भगवान मानते थे। तो प्राकृतिक आस्था थी जो आज एकदम बिल्कुल खत्म हो गई है। अगर प्रकृति से आस्था नहीं रखेंगे तो प्रकृति आपको ले डूबेगी। उदाहरण देती रहती है, 1-2 साल में उत्तराखंड बाढ़ और हुआ, जैसे वर्तमान समय में ब्राजील में आग लग गई, ये सब क्या है, प्रकृति की आस्था नहीं है। अब हम देखेंगे पूरा पाषाण काल के उस समय के कुछ घटना, मतलब कि वो स्थल देखेंगे। स्थल में हम सोन घाटी मुख्य है, ये पाकिस्तान में है वर्तमान समय में। बेलन घाटी ये इलाहाबाद मिर्जापुर के क्षेत्र में है। मित्रों बेलन घाटी से हर एक काल के औजार मिले हैं बेलन घाटी मिर्जापुर से। इससे UPPCS में हर वर्ष एक प्रश्न जरूर से जरूर फंसता ही है। बेलन घाटी से UPPCS में प्रश्न पूछता है। इसका एक मुख्य विशेषता ये है कि बेलन घाटी से हर एक काल के औजार मिले हैं, चाहे वो पूरा पाषाण काल हो, मध्य पाषाण काल हो, नव पाषाण काल हो, हर एक काल के यहाँ से औजार मिले हैं। डिडवाना क्षेत्र है, ये डिडवाना क्षेत्र है राजस्थान में है, डिडवाना राजस्थान में। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र हम देखते हैं, पल्लवरम, अतिरम्पक्कम। पल्लवरम और अतिरम्पक्कम से हैंडेक्स मिला है, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनते हैं UPSC में भी, PCS में तो UPPCS में नहीं बनते इसमें, लेकिन UPSC में जरूर पूछता है। नर्मदा घाटी हो गई एक स्थल, सुंदरगढ़ हो गया उड़ीसा, जोगीमारा की गुफाएं झारखंड में है। ये दोस्तों जोगीमारा,
जोगी मारा की गुफाएं झारखंड। पूरा पाषाण काल का एक स्थान, महत्वपूर्ण स्थान है भीमबेटका। भीमबेटका जिससे एमपी पीसीएस में हर वर्ष एक प्रश्न प्री में एक प्रश्न मेंस में भीमबेटका से पूछता ही पूछता है। इसमें तीनों काल के मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण, तीनों काल के यहाँ पे पेंटिंग्स मिली है, चित्रकला। यहाँ पे 100 से ज्यादा गुफाएं हैं, 100 से ज्यादा का बहुत सारी यहाँ गुफाएं हैं, 100 से ज्यादा। इसको दोस्तों 2003 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में इसको शामिल किया है। 2003 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। और यहाँ की जो पेंटिंग्स हैं मैंने बताया कला में, तो पशुओं की चर्बी और अंडे के जो छिलका पार्ट होता था उसको मिला के पेंटिंग की जाती थी। अब आगे हम देखेंगे मध्य पाषाण काल। अब हम देखेंगे मित्रों मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण का यह कालखंड संक्रमण कालखंड के नाम जाना जाता है, कहते हैं संक्रमण काल है। इस समय जलवायु का परिवर्तन हुआ था, कारण जलवायु का परिवर्तन, इस वजह से संक्रमण काल कहते हैं। जैसे पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण जैसे खत्म हुआ तो अगले ही दिन से मध्य पाषाण काल शुरू नहीं हुआ, इसके विकास के चरण में 50-60 साल जैसे बताया कि लग जाते होंगे। और औजार का निर्माण करते, जैसे उस समय हस्तकुठार था, इस समय प्रक्षेपास्त्र औजार आ गए थे, तो इसमें बनाने में कुछ समय लगा होगा, विकास करने में इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी होगी क्योंकि उस समय हस्तकुठार पास से करते होंगे शिकार, लेकिन अब दूर से शिकार करने की ज़रूरत हुई होगी कि अब दूर से ही मार दे, तो इस वजह से प्रक्षेपास्त्र का आविष्कार हुआ। जैसे कहते हैं कि अब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो ज़रूरत जैसे पड़ी वैसे आविष्कार होते गए। तो अब पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। भोजन इस समय छोटे और बड़े पशुओं को दोनों को मारने लगे, बड़े पशुओं का भी शिकार होने लगा। छोटे पशुओं में, बड़े पशुओं में मुख्यतः की जैसे हो गए हिरण, बैल, गेंडा टाइप के। छोटे पशुओं में हो गए कि बकरी और गाय वाय टाइप के जो छोटे पशु हो गए उनका। कपड़ा में इस वक्त लोग का नंगे नहीं घूमते थे, इस वक्त पत्ता छालोल या जो पशुओं को मारते थे और उनका मांस खा गए, जो छालोल बची वही लपेट लिया करते थे। पहले पूरा पाषाण काल में कपड़ा कुछ नहीं था, अब नव मध्य पाषाण काल में पत्ती के छाल और पशुओं की खाल पहनना शुरू कर दिए थे। कला वही थी, कला अभी भी चल रही थी, पेंटिंग वेंटिंग कर रहे थे वो। और इसका स्थल वही स्थल भीमबेटका और आदमगढ़ यही है, भीमबेटका एंड आदमगढ़, ये दोनों एमपी के हैं, एमपी मध्य प्रदेश में पड़ता है। अर्थव्यवस्था इस समय शिकार खाद्य संग्रह कभी भी वही है, शिकार और खाद्य संग्रह, खाना जो शिकार किए खाए, जो बचा उसको कल के लिए छोड़ के रख दिया करते थे। प्रक्षेपास्त्र में आज की तरह नहीं मिसाइल, लेकिन उस वक्त तीर धनुष भाले का उपयोग करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये दूर से ही शिकार करना चाहते थे कि दूर से ही मार दें और हमारा शिकार हमको मिल जाए। पास से जाने से हो सकता है कि वो भाग जाते हों, इस वजह से इसका उन्होंने शुरुआत की। सर्वप्रथम पशुपालन में पाला कुत्ता को, इंसान ने सबसे पहले कुत्ते को पाला। कुत्ते को इसलिए पाला गया होगा क्योंकि कुत्ता इनको शिकार करने मदद करता होगा, ये शिकार ढूंढने में कि कहाँ पे बड़े जानवर हैं इसमें मदद करता होगा। जिसका साक्ष्य बागौर और आदमगढ़ से मिला, बागौर हमारा राजस्थान में पड़ता, आदमगढ़ एमपी। कोई भी एग्जाम हो, वन डे से लेके सिविल, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, इसका प्रश्न एक दो बार नहीं 2500 बार यहाँ से पूछ चुका है। प्रथम पशुपालन का साक्ष्य बागौर आदमगढ़, ये पूछ चुका है, ये एमपी का ये स्थान, ये राजस्थान का, ये इससे हर बार प्रश्न पूछता ही पूछता है। धर्म अभी भी वही प्राकृतिक आस्था, सूर्य चंद्रमा बादलों की पूजा, प्राकृतिक आस्था में अभी भी विश्वास करते थे। इसका मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल है सराय नहर है, चौपांडी, चौपानी मांडो और महदहा। अब हम मित्र देखेंगे नव पाषाण काल। नव पाषाण काल
हमने पहले देखा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसी क्रम में देखेंगे नव पाषाण काल। मित्रों, नव पाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ, मेहरगढ़ जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मित्रों, एक बात यहाँ नोटिस करिएगा कि अगर कृषि की शुरुआत हो गई है तो कृषि तो एक दिन में कोई फसल पकेगी नहीं, समय लगेगा। तो यहीं से स्थायी जीवन की भी शुरुआत हुई, उनकी शुरुआत भी यहीं से मेहरगढ़ से हुई। अब जब स्थायी जीवन हो गया, कृषि हो गया, तो यहीं लोग झोपड़ी ओपड़ी बना के रहना शुरू करेंगे, झोपड़ी बना के रहना शुरू कर दिए। यहीं से अन्नागार मिला, अन्नागार मिलने का कारण यही है कि कृषि हुई, अन्न उगा, फसल ग्रेन्स हुई, तो जो खाने से बचा तो वो स्टोर करके रखते हैं, तो यहीं से अन्नागार भी मिला। अब अस्थाई जीवन की शुरुआत हो चुकी, कृषि होने लगा, ग्रेन्स होने लगा, एक जगह लोग रहने लगे, यही कारण है जनसंख्या वृद्धि का। नवपाषाण काल का कारण यही है, जनसंख्या वृद्धि यहाँ से होना शुरू होता है, जनसंख्या वृद्धि। ठीक दोस्तों, अब देखें भोजन। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ मध्य पाषाण काल तक इंसान मांसाहारी था, लेकिन अब यहाँ से उसके भोजन में शाकाहारी चीजें आनी शुरू हो गई, कृषि शुरू हुई, ग्रेन्स आना शुरू हुआ। तो इस वक्त शिकारी तो वो था ही, शिकार मांस पे निर्भर था ही, अब पशुओं के साथ साथ खाना। चलो सही, यहाँ परिवर्तन हुआ औजारों में। अभी तक औजार पहले हस्त कुठार था, फिर तीर धनुष भाला, यहाँ पे औजारों में सबसे बड़ा परिवर्तन आया कि यहाँ औजार अब धारदार होने लगे। धारदार जो पहले हस्त कुठार था, पत्थर का, तो पत्थर की मान लीजिए अगर जो मोटाई इतनी है कुठार के आगे, तो उसको अब घिसा जाने लगा दोनों तरफ से, उसको नुकीला बनाने जाने लगा ऐसा पत्ती टाइप का। तो धारदार हथियारों की शुरुआत यहीं से हुई नवपाषाण काल से। नवपाषाण काल का धर्म अभी भी वही था, प्राकृतिक आस्थाओं में विश्वास, सूर्य चंद्रमा बादल नदी इसी को पूछते थे, लेकिन हमें सरायर बोला और किलगुल मोहम्मद से ऐसा साक्ष्य मिला कि हमको विद्वानों का मानने की ये परलोक और आत्मविश्वास रखते थे। कारण ये था कि सरायर बोला से एक मृत आत्मा के साथ बकरी को साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला। इसका मतलब है कि विद्वानों का कहना है कि या तो उस वक्त के लोग परलोक का सिद्धांत रहा होगा कि वहाँ जाएंगे तो इनके भोजन के लिए रखा गया था, तो आत्मा में विश्वास था। अभी तक तो धर्म में सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक थे, लेकिन अब परलोक और आत्मा में विश्वास आ चुका था। अब हम देखेंगे नवपाषाण काल का प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल पहले देखते हैं उत्तर दिशा, शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में पार्ट देखते हैं बुर्ज होम। बुर्ज होम मतलब कि ताड़ के पत्तों की जगह, होम बुर्ज माने ताड़ का पत्ता कहते हैं मतलब है। और यहाँ से हमको साक्ष्य मिला है मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का। बुर्ज होम से प्रमुख साक्ष्य मिला है मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का। और यहाँ एक जगह है जम्मू कश्मीर में गुफर काली है, दो जगह है जम्मू कश्मीर में। यहाँ के लोग गर्दवास में रहते थे। गर्दवास में रहने का कारण यह है कि जम्मू कश्मीर में ठंडी पड़ती है, तो ठंडी में बर्फबारी बचने, ठंड से बचने के लिए गर्दवास में। गर्दवास मतलब कि ऊपरी सतह में ना रहकर गड्ढा खोदे जैसे सतह, तो गड्ढा खोद के इधर रहते थे, यहाँ घर बना के ऊपरी सतह से दूर ठंड से बचने के कारण। दक्षिण दिशा में प्रमुख स्थल हम देखें कर्नाटक राज्य से मिले मास्की है, ब्रह्मगिरी है, अलूर है, पिकलीहल इसमें इम्पोर्टेंट है। पिकलीहल प्रमुख इसलिए है क्योंकि यहाँ से राख के टीले का साक्ष्य मिला है। राख का टीला जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा चुका है, पिकलीहल ये पूछा जा चुका है। अब हम देखें गंगा घाटी का स्थल। गंगा घाटी के स्थल प्रमुख गंगा घाटी का स्थल है कुलडीहवा। कुलडीहवा से ही प्रथम धान की खेती का साक्ष्य है 6000 BC। ये गंगा घाटी क्षेत्र से मिला है। महदहा मिला है, चौपानी मांडो एक स्थल है, लहुरा देव को वर्तमान में संत कबीरदास नगर के नाम से जाना जाता है। ये गंगा घाटी का स्थल। अब हम आसाम का स्थल देखते हैं। आसाम में सारा तार, मरगडोला, देवा, ये नवपाषाणकालीन स्थल। आसाम में सारा तार, मरगडोला, देवा, BPSC में इस बार यहाँ से पूछा था कि आसाम के नवपाषाणिक स्थल में पूछा था, इसी सारे पिछले साल पूछा था। चिरांद है, चिरांद ये है छपरा के पास है। चिरांद
यहाँ से चिरांद से सबसे ज्यादा हड्डियों के औजार मिले हैं। अभी तक का स्थल में सबसे ज्यादा हड्डियों के औजार चिरांद से मिले हैं। हड्डियों के औजार ये महत्वपूर्ण है, ये भी परीक्षा में पूछ चुका है, आने वाले पेपर में पूछ सकता है। कुचाई एक स्थल है, कुचाई ये स्थल मिला है उड़ीसा से। नवपाषाणी का स्थल है कुचाई उड़ीसा से। वेस्ट बंगाल के दो प्रमुख स्थल है पांडुर जरडीबी और महिष्डर। वेस्ट बंगाल के दो पांडुर जरडीबी और एक है महिष्डर। मध्य प्रदेश से एक ही स्थल है भीमबेटका। भीमबेटका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तीनों के तीनों काल से वहाँ के पेंटिंग से मिली है भीमबेटका की गुफाओं से। अब यह है कि इसका टाइम पीरियड हम कैसे जांचते हैं, ये कैसे रख देते हैं कि ये नव पाषाण काल। इसका एक C14 है, ये केमिकल रिएक्शन है। इसका सबसे पहले पता लगाया था बिलियर्ड लिब्बा ने। इसकी C14 से उस चीज की उम्र का पता चलता है जिसमें पहले कभी जीवन रहा हो, मतलब पहले जीवन था अब मर गया, उसी का C14 से उम्र का पता चलता है। पत्थर का नहीं पता चलता, जीवाश्म का, जो पत्थरों के बीच में जीवाश्म मिलते हैं उसकी उम्र C14 से निकलता है। C14 की खासियत यह है कि उसी वस्तु का जीवन टाइम पीरियड निकालेगा जिसमें पहले जीवन रहा हो, जिसमें पहले जीवन रहा हो और अब उसकी मृत्यु हो चुकी हो, उससे का निकाला जाता है C14 से। चल निकलती है पोटेशियम आर्गन, पोटेशियम आर्गन विधि से। तो वो जो C14 है उसके जो साइंटिस्ट थे बिलियर्ड लिब्बा, इनको 1949 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये क्या कहते हैं ग्रुप डी में पिछले साल किसी पेपर वनडे एग्जाम में पूछा था, और ये है क्या कहते हैं हो सकता है आने वाले परीक्षा में किसी और परीक्षा में पूछ दे, इम्पोर्टेंट है। विलियम लिब्बा केमिस्ट्री का नोबेल 1949 में मिला था। उम्र निकालने का पोटेशियम आर्गन विधि से, और वृक्षों की उम्र निकाली जाती है उसके वलय से, रिंग जो होती है, जैसे ये पेड़ है तो यहां से जैसे फूटेगा तो यहां पे जो रिंग मिलेगी उस रिंग से, एक रिंग बताती है एक रिंग एक साल, एक वृक्ष एक रिंग एक साल, अधिकतम 11,000 रिंग एक जगह बन सकती है, इससे ज्यादा रिंग नहीं बनेगी। इसका मतलब कि एक वृक्ष की अधिकतम है 11,000, बस 11,000 से ज्यादा रिंग नहीं बनेगी और लकड़ी सड़ जाएगी। तो जैसा कि हमने पाषाण काल पढ़ा दिया, पाषाण काल खत्म हो गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इससे की संबंधित जो आपको नोट से चाहिए तो टारगेट विथ अभिषेक टेलीग्राम में चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको PDF मिल जाएगी। और प्रश्नों की श्रृंखला जो है तो प्रश्नों की चर्चा हम अलग से कर देंगे एक बार कि इससे कितने प्रश्न पूछे गए हैं, और आपको सिर्फ इतना करना है कि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो लास्ट ईयर के आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए और नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे टारगेट विथ अभिषेक चैनल टेलीग्राम में।